हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सेंट्रलाइजेशन टॉपिक, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सब हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अभी हम पढ़ेंगे सेंट्रलाइजेशन की मेरिट्स के बारे में और फिर पढ़ेंगे सेंट्रलाइजेशन की डीमेरिट्स के बारे में। तो शुरू करते हैं मेरिट से। पहली मेरिट है यूनिफॉर्मिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। ये शुरू करने से पहले सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, हम फिर से एक रिव्यू कर लेते हैं। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि कंट्रोल होना, अथॉरिटी होना, पावर होना या सत्ता होना एक ही इंसान के हाथ में, या एक, दो या तीन इंसानों के हाथ में, उससे ज़्यादा नहीं। या फिर हम बोल सकते हैं कि एक ही पॉइंट पे या एक ही प्लेस पे सारा का सारा जो मैनेजमेंट है वो एक ही जना चला रहा है। अथॉरिटी जो है, पावर जो है, वो एक ही हाथ में है और पूरा डिसीजन मेकिंग की पावर भी उसी के हाथ में है। एक ही जगह सारी चीज़ें सेंट्रलाइज्ड हैं। तो सबसे पहला है यूनिफॉर्मिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। मेरिट्स ये हैं कि सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन में यूनिफॉर्मिटी रहेगी अगर सेंट्रलाइजेशन होगी तो, एक ऑर्गेनाइजेशन में या एक मैनेजमेंट में। तो देयर इज़ यूनिफॉर्मिटी इन द जॉब्स ऑफ सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। तो पूरा यूनिफॉर्मिटी रहेगी, हर एक चीज़ एक सीक्वेंस के साथ चलेगी। होल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन रन्स अकॉर्डिंग टू द सेट पॉलिसीज़ एंड प्रिंसिपल्स बाय वन इंस्ट्रक्शंस। अब इसमें क्या होगा, एक ही इंसान सारी चीज़ों को रन करने वाला है तो उसके अकॉर्डिंग सारे पॉलिसीज सेट होंगे और सारे प्रिंसिपल्स, इंस्ट्रक्शंस, जो भी वो दे रहा है, एक ही इंसान दे रहा है तो वो ईजिली सारी चीज़ें परफॉर्म होंगी, सारे एक्टिविटीज़ चलेंगे, सारी बातें, सारे डिसीजंस अच्छे से इम्प्लीमेंट होंगे और ईजिली जो हमारा गोल है वो अचीव कर पाएंगे। सेकेंड है सिंप्लिसिटी इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स। बहुत सिंपल तरीके से जो भी प्रोग्राम्स हमने चलाने हैं, इम्प्लीमेंट करने हैं, वो बहुत सिंपल तरीके से होंगे। इन सेंट्रलाइजेशन देयर इज़ सिंप्लिसिटी इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल प्लानिंग एंड प्रोग्राम्स रिलेटेड टू द एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। अब सेंट्रलाइजेशन में क्या होगा, अगर आपके एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेजमेंट सिस्टम में, या आपके स्कूल में, कॉलेज में, किसी भी इंस्टीट्यूट में सेंट्रलाइजेशन है तो आप अपने सारे प्लान्स और प्रोग्राम्स को बहुत आसानी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो और इन दिस सिस्टम डिसीजंस आर टेकन क्विकली। अब इसमें क्या होगा, बहुत जल्दी जल्दी डिसीजंस लिए जाएंगे क्योंकि हर एक चीज़ बहुत सिंपल तरीके से चल रही है। तो सिंप्लिसिटी रहेगी इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स में। अगर एक ही इंसान के हाथ में सारी पावर है तो, क्योंकि वो ही सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है और उसके सबऑर्डिनेट्स या वर्कर्स जो उसके अंडर काम कर रहे हैं वो उसकी सारी बातों को मानेंगे और इस तरीके से काम जल्दी कंप्लीट होगा, डिसीजंस जल्दी लिए जाएंगे और हर एक चीज़ में सिंप्लिसिटी भी रहेगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कन्वीनियंट फॉर स्टूडेंट्स। जब सेंट्रलाइज्ड पावर होती है तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होती है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अगर एक प्रिंसिपल है और वही सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है, वहाँ कोई भी वाइस प्रिंसिपल नहीं है या दो हेड्स नहीं हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन के, तो ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। द मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन इज़ दैट स्टूडेंट शुड पे अटेंशन एट ओनली वन एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग यहाँ पे ये है कि स्टूडेंट एक ही एडमिनिस्ट्रेशन की बात मानेंगे, एक ही जगह ध्यान देंगे एंड ये इजी हो जाएगा फॉर हिम टू अंडरस्टैंड द टीचिंग पैटर्न ऑफ हिज टीचर्स। और फिर वो आसानी से अपने जो टीचिंग पैटर्न है आपके टीचर्स का, आसानी से उस चीज़ को समझ पाएंगे। अब इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कि एक सब्जेक्ट है, उसको दो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं अलग अलग टाइम पे या अलग अलग दिन, अलग अलग टीचर्स आके आपको पढ़ा रहे हैं, तो उनका पढ़ाने का तरीका बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। हर एक टीचर का अलग तरीका होता है चीज़ों को समझने का और समझाने का। तो उससे क्या होता है, अगर स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको दो टीचर्स मिले हुए हैं एक ही सब्जेक्ट के, तो कितनी ज़्यादा कन्फ्यूजन उनको रहेगी अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो अगर जो पावर है वो एक जगह सेंट्रलाइज है कि टीचर है एक सब्जेक्ट का, तो चीज़ों को समझना बहुत आसान हो जाएगा और हम एक सीक्वेंस में सिंप्लिसिटी के साथ आगे बढ़ेंगे।
कोऑर्डिनेशन इज़ एस्टेब्लिश्ड, हर एक चीज़ में कोऑर्डिनेशन रहेगा, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इज़ एस्टेब्लिश्ड इन ऑल एजुकेशनल जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हर एक काम एक कोऑर्डिनेशन के साथ होगा बाय सेंट्रलाइज एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ पे हर एक इंसान को पता है कि हमें अपने हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट की डिसीजंस को मानना है, वो जो बोल रहे हैं हमको वो चीज़ फॉलो करनी है। तो क्या होगा, हर एक जगह एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहेगा सारे एजुकेशनल जॉब्स में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। उसके बाद में आता है प्रॉपर कंट्रोल ऑफ सेंट्रल पावर, जो सेंट्रल पावर है उसका प्रॉपर कंट्रोल रहेगा, क्योंकि एक ही इंसान है, उसके पास ही सारी पावर है, अथॉरिटी है, वो ही सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, तो प्रॉपर कंट्रोलिंग वो आराम से कर पाएगा। इन सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट देयर इज़ सफिशिएंट एंड इफेक्टिव कंट्रोल होगा सेंट्रलाइज्ड पावर का या सेंट्रल पावर का ऑन ऑल यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ प्रोग्रेस, सबको प्रोग्रेस की इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं मिलेंगी, क्योंकि जब सेंट्रलाइज्ड है पावर तो जो उनके सबऑर्डिनेट्स या वर्कर्स हैं उनको इक्वली हम ट्रीट करेंगे। इन सेंट्रलाइज्ड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइडेड होंगी फॉर एजुकेशनल प्रोग्रेस, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ कैपेबल इन ब्रिंगिंग, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन कैपेबल होगा इन ब्रिंगिंग एक्सपेक्टेड चेंजेस विद एजुकेशन लाने में। एंड उसके बाद हम चलते हैं पार्सिमनी, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि बचत होगी, राइट, पैसे जो हैं वो बचेंगे। देयर इज़ पार्सिमनी इन एडमिनिस्ट्रेशन, इन दिस मैनेजमेंट ऑल मीन्स आर मैनेज्ड एट अ टाइम, सारी चीज़ें टाइम पे होंगी, स्कूल्स आर रन थ्रू द दिस प्रिंसिपल, इसी प्रिंसिपल के साथ पूरा स्कूल रन होगा, सो दिस टेक्निक इज़ लेस एक्सपेंसिव देन डिसेंट्रलाइजेशन, इसलिए ये जो टेक्निक है वो बहुत कम एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू द डिसेंट्रलाइजेशन, एंड फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ डन प्रॉपरली बाय द सिस्टम, और इस सिस्टम के थ्रू हम फाइनेंशियल जो प्लानिंग है वो प्रॉपरली कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बजट होगी सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के थ्रू। चलते हैं हमारे 8th पॉइंट पे, प्रॉपर एनवायरनमेंट फॉर प्लानिंग्स, अगर सेंट्रलाइज होती है पावर तो आपको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलता है अपनी प्लानिंग करने के लिए, जो भी काम आप करना चाहते हैं। इन सेंट्रलाइजेशन बिग जॉब्स आर कंप्लीटेड इन पावरफुल एनवायरनमेंट, में बड़ी बड़ी जॉब्स कंप्लीट होती हैं फॉर द सक्सेस ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फैसिलिटी इन रिसर्च वर्क, रिसर्च वर्क में भी आपको फैसिलिटी मिलती है थ्रू सेंट्रलाइजेशन, देयर इज़ प्रॉपर फैसिलिटी होती है एजुकेशन रिलेटेड रिसर्च में, बिकॉज सारे जो इन्फॉर्मेशन एंड फिगर्स एंड रिसीव्ड फ्रॉम वन पावर, एक ही पावर से सारे इन्फॉर्मेशन और फिगर्स रिसीव्ड होते हैं, तो थ्रू सेंट्रलाइजेशन देयर इज़ प्रॉपर फैसिलिटी होती है एजुकेशन में रिलेटेड रिसर्च, एंड बिकॉज सारे इन्फॉर्मेशन एंड फिगर्स एक ही पावर के द्वारा रिसीव्ड हो रहे हैं, इसीलिए। अगला पॉइंट है स्कूल वेलफेयर इज़ सुप्रीम, जब पावर सेंट्रलाइज होती है तो स्कूल के वेलफेयर को सबसे आगे रखा जाता है। इन सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन स्कूल वेलफेयर सुप्रीम होती है, एंड दिस मैनेजमेंट, यहाँ पे कोई नेपोटिज्म नहीं होता कि कोई बड़े घर से या रिच पर्सन का बच्चा है तो उसको एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट मिल रही है और जो पुअर घर का बच्चा है उसको एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है। तो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन में ध्यान रखा जाता है स्कूल के वेलफेयर पे, ये प्राइम इम्पॉर्टेंस होती है, और इसमें कोई नेपोटिज्म नहीं होता है, ना ही कोई पॉलिटिक्स की इंटरफेरेंस होती है सिस्टम में, मतलब कोई अपनी पावर नहीं दिखा सकता है, पॉलिटिकल पावर के बेसिस पे अपना कंट्रोल नहीं जमा सकता है, देयर आर नो चांसेस ऑफ फेवरेटिज्म, इसमें कोई फेवरेटिज्म नहीं होता है, कोई करप्शन नहीं होता है स्कूल्स में जब सेंट्रलाइज्ड होती है पावर। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है इंश्योर्ड रिजल्ट्स एंड कंट्रोल ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, आपको अगर सेंट्रलाइज्ड है आपकी पावर, ये 11th पॉइंट है, अगर आपकी पावर सेंट्रलाइज्ड है तो आपको जो काम आप कर रहे हो उसके लिए इंश्योर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे, एंड कंट्रोल होगा अनएम्प्लॉयमेंट पे भी। ड्यू टू सेंट्रलाइजेशन इन एजुकेशनल सिस्टम इज़ इंश्योर टू हायर एफिशियंट हायर लेवल एंड गुड रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, मैक्सिमम्स आर ट्रेन एंड अनएम्प्लॉयड एम्प्लॉयमेंट कैन बी कंट्रोल्ड। अब क्या होगा, हम जो जिन लोगों को हम सबऑर्डिनेट्स और वर्कर्स को इक्वल समझ के उनको ड्यूटीज़ दे रहे हैं, और अगर जिनको ड्यूटीज़ नहीं समझ में आ रहे हैं तो हम उनको ट्रेन कर रहे हैं, तो इसलिए कोई भी अनएम्प्लॉय नहीं रहेगा, यहाँ पर सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, सबको काम मिलेगा और उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो बेसिकली जो सेंट्रलाइज है उससे हमें इंश्योर्ड रिजल्ट मिलते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट पर कंट्रोलिंग भी होती है।
अब हम पढ़ेंगे इनके डीमेरिट्स के बारे में। तो इनके जो मेरिट्स थे वो थे टोटल 11। अब हम इनके डीमेरिट्स के बारे में पढ़ते हैं कि भाई सेंट्रलाइज्ड होती है अगर पावर किसी स्कूल में, इंस्टीट्यूट में या ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसकी क्या क्या खामियाँ होती हैं, क्या क्या कमियाँ होती हैं। तो सबसे पहला है कोल्ड अप्रोच ऑफ लोअर मैनेजमेंट। भाई जो लोअर मैनेजमेंट है उनमें कोल्ड अप्रोच हो जाएगी, उनमें झगड़ा होगा। ऑल पॉलिसीज़ आर मेड बाय सेंट्रल मैनेजमेंट। सारे पॉलिसीज़ कौन बना रहा है? सेंट्रल मैनेजमेंट बना रही है। देर इज़ नो फ्लेक्सिबिलिटी इन दिस मैनेजमेंट। इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है कि आप अगर नहीं चाहते हो उनके ऑर्डर को फॉलो करना तो आप बॉयकॉट कर दो, या आप उनसे कंप्लेंट करो, या आप उनको बोलो कि भाई तुम अपने डिसीजंस बदल दो। ऐसा नहीं होता है। जो अपर मैनेजमेंट आपको कह रहा है, क्योंकि आप एक सेंट्रल पावर है, तो जो आपको ऑर्डर्स दिए गए हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो देयर इज़ नो फ्लेक्सिबिलिटी इन दिस मैनेजमेंट। टीचर्स एंड ऑफिसर्स आर फोर्स टू ऑबे द ऑर्डर्स ऑफ सेंट्रल मैनेजमेंट। तो जो यहाँ पे टीचर्स होते हैं और जो यहाँ पे ऑफिसर्स होते हैं, उनको ऑर्डर्स को ऑबे करना पड़ता है ऑफ सेंट्रल मैनेजमेंट। एंड जो भी आपको ऑर्डर्स दिए गए हैं, आपको फोर्सफुली वो ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे, चाहे आपकी वो इच्छा है करने की या नहीं है। दे कैन नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन। अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम उनके ऑर्डर्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। सो देयर इज़ रिजिडनेस हो जाती है एक एडमिनिस्ट्रेशन में। एंड देयर इज़ एन कन्वीनियंस इन एजुकेशनल प्लानिंग्स। और एजुकेशनल प्लानिंग में इनकन्वीनियंस होती है उनके पॉलिसीज़ में एंड चेंज इन मींस में, क्योंकि यहाँ पे जो लोअर मैनेजमेंट है उसमें कोल्ड अप्रोच हो जाती है। वो चीज़ों को फॉलो किसी वजह से नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनको ज़बरदस्ती वो चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट डीमेरिट है वो है नेग्लिजेंस ऑफ टीचर्स। यहाँ पे टीचर्स को निग्लेक्ट कर दिया जाता है। देयर आर फ्यू चांसेस टू गेट कोऑपरेशन फ्रॉम टीचर्स इन दिस मैनेजमेंट। बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको आपके टीचर्स कोऑपरेट करें। एंड देयर इज़ लेस पार्टिसिपेशन एंड इंटरेस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, जो टीचर्स होते हैं वो बहुत कम पार्टिसिपेट करते हैं और इंटरेस्ट लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेजमेंट में। द मोरल ऑफ अ टीचर कम्स डाउन। इससे उनका मोरल जो होता है वो कम हो जाता है, डाउन चला जाता है। सो टीचर्स डू नॉट टेक पार्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन। और इसी वजह से जो टीचर्स होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट नहीं लेते हैं, और उनका जो ट्रेडिशन है वो वीक हो जाता है। सो मोनोपोली ऑफ स्टेट इज़ एस्टैब्लिश इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो मोनोपोली की स्टेज ऑकर हो जाती है, उनका निग्लेक्शन होता है, तो वो पार्टिसिपेट भी नहीं करना चाहते हैं एंड फिर वो बॉयकॉट करने की कोशिश करते हैं। तो फिर बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं टीचर्स के बीच में और जो सेंट्रल पावर है उसके बीच में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डिले इन वर्क। काम भी, मतलब हम बोलते हैं कि सेंट्रलाइज है पावर, तो काम जो है वो सिंप्लिसिटी के साथ पूरा हो जाएगा और जल्दी जल्दी डिसीजंस ले लिए जाएंगे सेंट्रलाइज पावर के द्वारा। लेकिन काम ख़त्म होने में बहुत टाइम लग जाता है। वर्क गेट्स कलेक्टेड एट हायर लेवल। अब इतना सारा काम अपर मैनेजमेंट पे या हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे इकट्ठा हो जाता है थ्रू सेंट्रलाइजेशन। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टेक डिसीजंस। तो सेंट्रलाइज पावर के पास भी, जो सेंट्रल पावर है, हेड है या प्रिंसिपल है या जो भी हैं ऊपर ओनर हैं, उनके लिए डिसीजंस लेने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, और इसी वजह से प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और प्रॉपर फैसिलिटीज़ भी आपके पास अवेलेबल नहीं हो पाती हैं इसी कारण के वजह से। और अनपॉपुलर रूल ये बन जाता है एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन। पॉपुलर इनिशिएटिव एंड चांसेस ऑफ डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स आर वेरी लेस। तो अब क्या होता है, जब सेंट्रलाइज पावर होती है, एक ही जना सारे ऑर्डर्स दे रहा है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स भी कम इंटरेस्टेड रहते हैं पार्टिसिपेट करने में। देयर फ्रीडम इज़ वेरी वीक, क्योंकि उनको पूरी फ्रीडम नहीं मिल पाती है। एंड ड्यू टू दिस रीज़न एडमिनिस्ट्रेशन बिकम्स अनपॉपुलर। इसी वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अनपॉपुलर बन जाता है। ह्यूमन थॉट्स आर नेग्लेक्टेड, क्योंकि कोई अपनी इच्छा से कोई विचार रखना चाहता है, थॉट रखना चाहता है, तो उसको भी निग्लेक्ट कर दिया जाता है। फीलिंग्स, इंटरेस्ट, कैपेबिलिटीज़ जो होती हैं एक ह्यूमन बीइंग की, उनकी कोई जगह नहीं होती है इस एडमिनिस्ट्रेशन में जहाँ पे सेंट्रलाइज्ड पावर होती है। तो इसी वजह से फिर एडमिनिस्ट्रेशन में एक अनपॉपुलर रूल हो जाता है, क्योंकि बच्चे ऑबे नहीं करते हैं, बच्चे पार्ट लेना नहीं चाहते, क्योंकि उनकी फ्रीडम इससे अफेक्टेड होती है। अगला है मिसयूज़ ऑफ पावर। पावर की बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिसयूज़ होता है।
जब सेंट्रलाइज्ड होती है पावर या एक ही इंसान के हाथ में पावर होती है तो पावर का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है। इन सेंट्रलाइजेशन देयर इज़ मिसयूज़ ऑफ पावर ऑफ हायर अथॉरिटीज़ नॉट ओनली इन इम्पॉर्टेंट वर्क्स बट ऑल्सो इन ऑर्डिनरी रूटीन वर्क्स। अब कई बार क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्क से रिलेटेड मिसयूज़ नहीं होता पावर का, रूटीन वर्क्स में भी मिसयूज़ होता है पावर का, क्योंकि मिसयूज़ होगा ही, क्योंकि एक ही इंसान के पास पावर है और कोई उस पावर का ध्यान रखने वाला नहीं है, तो मिसयूज़ करते हैं वो पावर को। तो ये भी एक ड्रॉबैक है, एक डीमेरिट है सेंट्रलाइजेशन की। अगला पॉइंट है पॉसिबिलिटी ऑफ फॉल्टी डिसीजंस। कई बार क्या होता है, जब सेंट्रलाइज होती है पावर, एक ही इंसान के हाथ में सारी पावर होती है, तो फॉल्टी डिसीजंस लेते हैं हम। मतलब जो सेंट्रलाइज सेंट्रल पावर है या हेड है या ओनर है, वो क्या करता है, वो गलत डिसीजंस ले लेते हैं, क्योंकि उनको खुद को डिसीजंस लेने होते हैं एंड वो बहुत ज़्यादा उसके प्राउड ही होते हैं, तो इस वजह से उनको प्राउड होता है तो वो गलत डिसीजंस भी कई बार ले लेते हैं। तो सेंट्रल अथॉरिटीज़ आर नॉट इन रेगुलर टच विद स्टूडेंट्स। सेंट्रल अथॉरिटीज़ रोज़ाना तो रेगुलरली तो स्टूडेंट्स के टच में नहीं होती एंड दे आर नॉट अवेयर ऑफ देयर प्रॉब्लम्स, और उनको स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स के बारे में भी नहीं पता होता है। दैट्स वाई जो स्कूल की सिचुएशंस हैं एंड प्रॉब्लम्स हैं वो अलग अलग होती हैं अलग अलग टाइम पे, तो इसी वजह से कई बार जो सेंट्रल पावर होती है वो गलत डिसीजंस ले लेती है। वो कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो कि स्टूडेंट्स और पूरा जो मैनेजमेंट सिस्टम है या टीचर्स हैं या दूसरे वर्कर्स हैं उनके लिए वो गलत डिसीजंस हो जाते हैं, उनके लिए वो हेल्पफुल नहीं होते, यूज़फुल नहीं होते हैं। उसके बाद में हमारा लास्ट पॉइंट है इल इफेक्ट्स ऑफ यूनिफॉर्मिटी। हम बोलते हैं कि सेंट्रलाइज होगी पावर तो यूनिफॉर्म ऑर्डर से सब कुछ फॉलोड होता है, लेकिन इल इफेक्ट्स भी होते हैं यूनिफॉर्मिटी के। इन द एफर्ट टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, पार्सिमनी बचत करनी है हमें एंड कैपेबिलिटी इन सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, देयर इज़ नो प्लेस फॉर इनोवेटिव आइडियाज़। यहाँ पे कोई इनोवेटिव आइडियाज़ की प्लेस नहीं है, हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, हम कोई नई रिसर्च नहीं कर सकते हैं। टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एट एजुकेशनल लेवल, लोकल कल्चर ट्रेडिशन कस्टमर्स एंड वैल्यूज़ को यहाँ निगलेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ भाई सेंट्रल पावर है, सेंट्रलाइज्ड पावर है, एक ही इंसान के हाथ में सारी पावर है, तो वो अपने अकॉर्डिंग सोचता है, अपने बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग सोचता है, जो उसको फ्लेक्सिबल लगते हैं उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजंस लेता है। लेकिन वो दूसरों के इमोशंस, दूसरों के मोरल्स जो होते हैं, वैल्यू नहीं करता उन चीज़ों को, वो प्रॉब्लम्स नहीं देख पाते हैं स्टूडेंट्स की, टीचर्स की, तो इस वजह से यूनिफॉर्मिटी के भी इल इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि कोई स्टूडेंट हो या कोई टीचर हो, वो अपने अलग से जो हमारी थिंकिंग होती है एक चीज़ को या एक सिचुएशन को देखने का जो नज़रिया होता है वो हर एक का अलग अलग होता है, वो अपने आइडियाज़ को नहीं रख पाते हैं, क्योंकि सेंट्रलाइज पावर है तो वो रखने नहीं देती है, तो इस वजह से इल इफेक्ट्स होते हैं यूनिफॉर्मिटी के। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलना, क्योंकि आने वाले वीडियो में अब हम डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे।